न जाने दर्द क्यों मैं अनजाना लिखता हूँ, जो जिया ही नहीं वो फसाना लिखता हूँ। हर लफ्ज पर मेरे क्यों कोई कहानी जोड़ती है, जिस छोर से वाकिफ ही नहीं ये जिंदगी उस ओहरी क्यों चलती है, ये जिंदगी उस ओहरी क्यों चलती है। मैं अपने लफ्जों से परेशान हूँ अब, हर रात सताते हैं सबको, छलनी करते हैं या सिर्फ मुझसे ही बतियाते हैं। इन शब्दों को गले लगाया तो सब कुछ वीरान हो गया, गले तो हर कोई मिला पर ये दिल कब्रिस्तान हो गया, गले तो हर कोई मिला पर ये दिल कब्रिस्तान हो गया। खैर फिर वही कहानी है, जिंदगी किसी और की निकली मेरी जुबानी है। वन लास्ट पोएम है, एक छोटी सी कल या परसों ही लिखी है जस्ट कि किसी एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंड को देख के लिखी कि हया की परवानगी है उसकी आंखें कमाल की है, कि हया की परवानगी है उसकी आंखें कमाल की है, चेहरा जब वो अदब से झुकाए उसकी सादगी बेमिसाल सी है, उसकी सादगी बेमिसाल सी है। वो जो जुल्फे बिखेरे तो संभलना मुश्किल है, उसके दीदार से नजरें चुराना थोड़ा मुश्किल है, पर इन सब के अलावा भी वो औरों से परे, उसके जिस्म से ज्यादा उसकी रूह चमकती है, वो ख्याल कोई सा भी बुने सबका भला चाहती है, वो मुस्कुराए तो मानो किसी के हंसने की वजह बनी होगी, जब रोए तो समझना कि किसी का सहारा बनी होगी। यूं तो शख्स बहुत है इस दुनिया में पर हर कोई रूहानी नहीं होता, मिला हूँ मैं अपनी परछाइयों से भी पर उसके जैसा कोई वफादार नहीं होता, मिला हूँ मैं अपनी परछाइयों से भी पर उसके जैसा वफादार नहीं होता। लास्ट वन सो उसकी कतकई आंखें, थोड़ा सा छिछोरा लगेगा शुरू में कि कैसा है पर जाते जाते अच्छा लगेगा आपको, कि उसकी कतकई आंखें बच्चों जैसे होट, बेपरवाह पलखें रेशमी जुल्फें, चहकती नाक महकता यौवन और बहकती चाल के अलावा भी मुझे वो बेहद पसंद है, इन सब के अलावा भी मुझे वो बेहद पसंद है। ये जितने भी पैमाने हैं ना सजावट के, ये जितने भी पैमाने हैं ना सजावट के, वो उन्हें समझ ही नहीं पाते। नादान है वो जिस्म सजाना ही नहीं जानती, नादान है वो जिस्म सजाना ही नहीं जानती। तो चाल है ना, उसका एड्रेस भी दे देता हूँ कि आप भी मिल सकते हो उससे, आसपास ही रहती है, आप भी मिल सकते हो उससे, आसपास ही रहती है। जिस्म तलाशोगे तो मिलना मुश्किल है उसका, जिस्म तलाशोगे तो मिलना मुश्किल है उसका, यही बात हर बार वो मुझसे कहती है, यही बात हर बार वो मुझसे कहती है। थैंक यू।